नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। छापेमारी का बदल गया पुराना नियम, कैमरे की निगरानी में होगी रेड। बिहार में कमजोर पड़ा मानसून, अब तक सामान्य से भी कम हुई बारिश। इस दिन से ट्रांसफर को लेकर बिहार के शिक्षक कर सकेंगे ई शिक्षा कोष पर आवेदन। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीत कर शुभमन गिल ने बनाया नायाब रिकॉर्ड। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार की ओर से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbs.bih.nic.in से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। 7 से 28 अगस्त तक दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को सुबह 9:30 पर अपने संबंधित केंद्रों पर रिपोर्ट करना होगा। भर्ती अभियान का उद्देश्य कुल 21,391 पुलिस कांस्टेबल पदों को भरना है। बिहार पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी कर रहा मुर्गों के 5 नए प्रजातियों पर रिसर्च। मांसाहार भोजन करने वाले लोगों को जल्द ही नई प्रजातियों के मुर्गों का स्वाद चखने को मिलेगा। इसे लेकर बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जल्द ही नया आयाम गढ़ने जा रहा है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय 5 नई मुर्गों की प्रजातियों पर शोध कर रहा है, जो जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। इन्हें दूसरे प्रजातियों से क्रॉस प्रजनन कर तैयार किया जा रहा है। इनमें रेड कॉर्निस कड़कनाथ, रेड कॉर्निस RIR, रेड कॉर्निस फ्लाई माउथ रॉक के अलावा कड़कनाथ RIR और RIR रेड कॉर्निस शामिल है। शोध विशेषज्ञों का दावा है कि नई प्रजातियों की मुर्गियां अधिक अंडे देगी और मुर्गों का वजन भी अधिक होगा। साथ ही मौजूदा मुर्गों से इसका स्वाद भी अलग रहेगा। प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होने की बात कही गई है। बिहार में कमजोर पड़ा मानसून, अब तक सामान्य से भी कम हुई बारिश। पिछले कुछ दिनों से हुई लगातार बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के अनुसार अब बिहार में मानसून का असर कमजोर पड़ गया है। ऐसे में इस सप्ताह बारिश के आसार नहीं बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन वो नाकाफी साबित होगी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार में जितनी बारिश होनी चाहिए थी अभी तक उतनी नहीं हुई है। 20 जून से बिहार में मॉनसून एक्टिव होने के बाद से अब तक सभी जिलों में अच्छी बारिश होने के बावजूद यह सामान्य से 52% कम है। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली सुरंग के निर्माण कार्य में आएगी तेजी। बिहार म्यूजियम को पटना म्यूजियम से जोड़ने वाली सुरंग के निर्माण कार्य में अब तेजी आने की उम्मीद है। 542 करोड़ रुपए की संशोधित लागत से बन रही इस सुरंग के निर्माण को लेकर नगर विकास और आवास विभाग द्वारा पुनः 15 करोड़ रुपए खर्च की मंजूरी दे दी गई है। कार्यकारी एजेंसी द्वारा यह राशि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले विभाग द्वारा 3 किस्तों में 35 करोड़ रुपए DMRC को उपलब्ध कराया गया है। वहीं 507 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने बाकी हैं। मालूम हो कि देश में 2 म्यूजियम को जोड़ने वाली यह अपनी तरह की पहली सुरंग है। यह सुरंग जमीन से 15 से 20 मीटर नीचे बनेगी। बिहार के सरकारी विद्यालयों में इस दिन से शुरू होगी नई योजना। शिक्षा विभाग द्वारा अपने बजट में सम्मिलित नई योजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। स्कूली शिक्षा के लिए माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को 15 अगस्त से लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट को विद्यालय स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर महीने विज्ञान एवं गणित की पाठ्य पुस्तकों में से एक एक पाठ्य का माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के सभी विद्यालयों में वर्ग 6 से 8 के लिए भेजे जाएंगे। पाठ्य पुस्तकों में समाहित सभी शीर्षक से संबंधित प्रोजेक्ट के पूरे होने तक यह चक्र चलता रहेगा। वहीं इसको यूट्यूब पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा, ताकि बच्चे छुट्टियों में भी इस प्रोजेक्ट का लाभ उठा सकें। छापेमारी का बदल गया पुराना नियम, कैमरे की निगरानी में होगी रेड। देश में नए कानून लागू होने के बाद से अब आय से अधिक संपत्ति मामले में अभियुक्तों के ठिकानों पर होने वाली छापेमारी समेत अन्य सभी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब अभियुक्तों के ठिकानों पर कैमरे की निगरानी में छापेमारी होगी। इसके साथ ही इसे डिजिटल साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में बतौर सबूत पेश भी किया जाएगा।
यह कानून अब स्पेशल विजिलेंस ईओयू समेत अन्य सभी एजेंसियों पर भी लागू होगा और इसके फायदे यह होंगे कि इसके आधार पर कोर्ट त्वरित फैसला सुना सकती है। इस दिन से ट्रांसफर को लेकर बिहार के शिक्षक कर सकेंगे ई शिक्षा कोष पर आवेदन। बिहार के शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से बनाई गई कमेटी के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। अब इसी कड़ी में मंगलवार को शिक्षा विभाग की समिति की फिर से मीटिंग होने वाली है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अंतिम रिपोर्ट 22 जुलाई तक तैयार कर ली जाएगी और 1 अगस्त से शिक्षक ट्रांसफर के लिए ई शिक्षा कोष पर आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को 27 जुलाई को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सक्षमता पास कर चुके 1,87,000 शिक्षक भी तबादले के लिए अपना आवेदन 1 अगस्त से कर सकेंगे। प्रथम सूची के तहत इंटर स्कूल में 19 जुलाई तक ले सकेंगे एडमिशन। इंटर स्कूल में एडमिशन के लिए प्रथम चयन सूची के तहत तिथि 19 जुलाई तक विस्तारित कर दी गई है। इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और स्कूल प्राचार्यों को दे दी गई है। अब छात्र 15 से 19 जुलाई तक आवंटित स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे। बोर्ड प्रशासन के द्वारा यह स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि प्रथम चयन सूची के तिथि विस्तार का यह आखिरी मौका है। पहले यह तिथि 14 जुलाई तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 19 जुलाई कर दिया गया है। जिन छात्रों का प्रथम सूची में नाम है, उन्हें 19 जुलाई तक एडमिशन लेना है। महाबोधि कॉरिडोर की दिशा में जल्द होगा काम शुरू। 73 एकड़ जमीन चिन्हित। गया जी धाम विष्णुपद मंदिर में पर्यटन कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है। इस पर करीब 57.74 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विष्णुपद मंदिर में पाथवे, सेट भवन संरचना एवं मंदिर के लिए वैकल्पिक अप्रोच पथ और बस डिपो का निर्माण कॉरिडोर के प्रथम चरण में किया जाएगा। कॉरिडोर के प्रथम चरण का कार्य 2 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके लिए 6 अगस्त को प्री बिड मीटिंग तय है, वहीं 12 अगस्त को टेंडर खोला जाएगा। इसके बाद एजेंसी का चयन कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एस सिद्धार्थ को अनुग्रह नारायण सामाजिक संस्थान का नया निदेशक बनाया गया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर जानकारी दी गई। जारी अधिसूचना के अनुसार शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव को अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को यह प्रभार सौंपा गया है। तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू हो गया है। नीतीश सरकार में बीजेपी मंत्री ने कबूला, बिना पैसे के नहीं हो रहे गरीबों के काम। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में बीजेपी के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कबूल किया है कि गरीबों का कोई काम बिना पैसे लिए नहीं हो रहा है। मंत्री दिलीप जायसवाल के कबूलनामे से भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों में खलबली मच गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह स्वीकार किया है कि अंचल स्तरीय कार्यालयों में दाखिल खारिज समेत जमीन से जुड़े अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अंचल कार्यालयों के भ्रष्टाचार से विभाग की बदनामी हो रही है। मंत्री ने अफसरों से अपील की है कि इस महीने से भ्रष्टाचार को 10% कम करने का अभियान शुरू करें। अनंत अंबानी की शादी में हो रहा पैसों की बर्बादी, जीतन राम मांझी का बयान। रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। अब मुकेश अंबानी द्वारा अनंत अंबानी की शादी पर किए जा रहे खर्चे को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि शादी में पैसों की बर्बादी की जा रही है। उन्होंने कहा कि शान शौकत के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह झोंक दिया गया। यदि मुकेश अंबानी गरीबों के लिए कुछ करते, उनके उत्थान के लिए कुछ करते तो बेहतर होता। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को एक तरफा कहना सही नहीं, केसी त्यागी का बयान। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया अलायंस की प्रचंड जीत हुई है। कांग्रेस 4 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई, जबकि 1 सीट पर डीएमके और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। वहीं टीएमसी ने 4 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीट गई है। वहीं बिहार की रुपौली सीट से जदयू और राजद दोनों को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। अब विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केसी त्यागी ने एएनआई से बातचीत में कहा है कि उपचुनाव के नतीजे जो भी हो, हम लोगों के जनादेश का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, 1-2 जगहों पर कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली है और उन्हें इससे खुश होना चाहिए, लेकिन इसे एक तरफा फैसला मानना गलत है।
आरसीपी सिंह जल्द कर सकते हैं नई पारी का ऐलान। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह जल्द ही अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि सारी तैयारी भी पूरी कर ली गई है और बस इसकी घोषणा बाकी है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह ने हाल ही में अपने कुछ खास लोगों के साथ गाँव मुस्तफापुर में अहम बैठक की और आगे की रणनीतियों पर चर्चा की है। बता दें कि वैसे तो आरसीपी सिंह फिलहाल बीजेपी में है, लेकिन राजनीति में उनकी कहीं कोई सक्रियता नहीं दिख रही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीतकर शुभमन गिल ने बनाया नायाब रिकॉर्ड। रविवार को भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में पांचवा टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 42 रन से जीत दर्ज की। वहीं इसके साथ भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया। वहीं सीरीज जीतते ही भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए शुभमन गिल ने अपनी पहली सीरीज में ही एक नायाब रिकॉर्ड दर्ज किया है। विदेश में खेली गई सीरीज में 4 टी20 इंटरनेशनल मैच में जीत हासिल करने वाले शुभमन गिल पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। आज तक उनसे पहले कोई भी कप्तान विदेश में जाकर एक सीरीज में 4 टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं जीत सका है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, नंद कुमार सिंह, सादुल्लाह पालवी, पूनम लता, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, राहुल राज, छोटू रजा, नौसाद रजा, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, राम बाबू दास, अनवर करीम खान। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत और जिम्बाब्वे की 5 मैचों की टी20 सीरीज में आपको किस भारतीय खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन लगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।